सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें बस मैं आपको बताऊंगा कि अप्रीला SR150 ABS या अप्रीला के आप कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं तो उसके सर्विस चार्ज कितने होते हैं, कितना लगता है एक सर्विस का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले और दूसरी चीज़ भी सबसे पहले बोल रहा हूँ दूसरी चीज़ भी ये है कि आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मेरे चैनल में आना स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण थोड़ी बहुत रेवेन्यू जनरेट होगी फिलहाल के लिए। तो अभी नया चैनल है तो उतने खास के व्यू नहीं आ रहे, तो थोड़ी बहुत अमाउंट जनरेट होगी, जो कि ठीक है, अभी मेहनत करेंगे धीरे धीरे तो सब चीज़ बढ़ेगा। और मेरा दो दिन पहले मेरा चैनल में 1000 सब्सक्राइबर तो कम्प्लीट हो गए थे, लेकिन 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुआ। तो मेरे चैनल अपने से उस प्रोसेस को ऑन था, तो वो खुद से प्रोसेस हो गया। फिर मैं सोचा कि मोनेटाइज होने में टाइम लगता है, एक महीना लग ही जाता है, तो मैं वेट कर रहा था कि चलो अब एक महीना लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे तो सबकी एक महीना लग ही जाता है। लेकिन मेरा रात को ही हो गया, दूसरे दिन रात को करीब 152 में मेल आया, तो मैंने सुबह चेकआउट किया तो ये चैनल हैज़ बीन मोनेटाइज, ऐसा मैसेज आया था स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो बढ़िया चीज़ था, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि आप उसको लिंक करो और जो भी ऐड होगा आपके चैनल पर रन करेगा। तो फिर मैंने अकाउंट बनाया, फिर लिंक किया, फिर उसी कुछ थोड़ी बहुत पॉलिसीज होती है। तो जब तक आपका $10 नहीं होंगे आपके पिन नहीं आएंगे, जैसे आपका एक सिक्योरिटी कोड होता है वैसे आपका एक पिन आएगा, पिन भी होता है और एज सच वेरीफिकेशन भी होता है कि आप जो उस वीडियो का मतलब उस चैनल का जो ओनर है उस पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है या नहीं रहता है, इस तरीके से। तो वेरिफिकेशन होता है, $10 के बाद वो आपके पिन आपके घर पे आएगा बाय पोस्ट, ठीक है। और करीबन ये अगर आपका पिन पहली बार नहीं आया तो 2-3 चांस और मिलता है, ठीक है। तो वो हो गया। और $100 से नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो भी आप पहला अमाउंट आप जब भी विड्रॉ करेंगे तो $100 से ऊपर होगा, वही 7000-7500 के करीब जो आपका पहला अमाउंट जो बनता है, वो एक महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, आपको करने में 4 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके चैनल पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अब इस रफ एस्टिमेट से आप बता नहीं सकते कि कितना आप कमाते हैं, या 1000 व्यूज़ के या 100 व्यूज़ के आप कितने कमाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो ये चीज़ तो सब साइड रखते हैं। और बात कर रहे थे हम अप्रीला की सर्विस के बारे में, तो पहले गाड़ी धो लेता हूँ क्योंकि गाड़ी गंदा हो गया, और गंदा हो गया तो गाड़ी खाऊँगा, तो पहले धो लेता हूँ गाड़ी फिर आता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कोई सर्विस बुक मिलता है, तो टोटल इसमें 9 सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों का 4 सर्विस हो गया है। और जैसे जो सर्विस फ्री होता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि फ्री होता है, लेकिन इसके हर अल्टरनेट सर्विस के अंदर फर्स्ट सर्विस में फ्री, सेकंड सर्विस में मेंशन नहीं किया गया है, और थर्ड सर्विस में फिर फ्री, फोर्थ सर्विस में मेंशन नहीं किया गया है। तो पहला सर्विस था 250 किलोमीटर 750 किलोमीटर के बीच में, तो रिसिप्ट तो मैंने लिया नहीं था उससे, ऐसा कोई बिलिंग अमाउंट था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। तो ये था 335 अमाउंट, ये था पहला सर्विस का, जिसमें आपका ऑयल चेंज हुआ था और फिल्टर चेंज हुआ था बस, और इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं लगा, ठीक है। तो सेकंड सर्विस था, ठीक है, जो सेकंड सर्विस होता है तो मैं बताता हूँ कितने किलोमीटर में होता है। सेकंड सर्विस था 2500 से 3000 किलोमीटर में, ठीक है, या तो 2.5 मंथ्स लेने के बाद के, ठीक है। तो ये कॉस्ट किया हमको 290, आप पॉज करके देख सकते हैं, और इसका मैं बिल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बिल है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 288, 290 रुपये आप मान लीजिए। अब इसको स्क्रीनशॉट मार के या पॉज करके देख सकते हैं, तो ये बिल है 290। और जो फिर अपना थर्ड सर्विस था उसका मेरे को स्लिप मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लगभग उतना ही सर्विस था उसका भी। और फोर्थ सर्विस का मेरे को रिसिप्ट मिला, तो फोर्थ सर्विस का रिसिप्ट था वो कल का ही था, 11 तारीख का था, वो मुझे पड़ा 290। तो मैं सारा चीज़
स्क्रीन पर लगा दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ कि बाइक का सर्विस इतना कम में हो गया। लेकिन अभी फ्री सर्विस है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब लेबर चार्ज जुड़ेगा तो मे बी लेबर चार्ज समथिंग अराउंड होगा 250 के आसपास, और जो पार्ट्स के चार्ज हैं वो तो होंगे ही होंगे। तो ये कुछ उसके सर्विस चार्जेस थे। अब जगह टू जगह वेरी भी करता है बहुत सारे लोगों का, कहीं पे महंगे भी हो सकते हैं, कहीं सस्ते भी हो सकते हैं, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है। और डिपेंड करता है कि आप बाइक किस तरीके से भी चलाते हो और क्या भी है। और इसका मैंने एक ओनरशिप रिव्यू बनाया है कि गाड़ी असल में चलने में है कैसी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो में बस इतना ही था कि इसमें सर्विस चार्ज लगता कितना है, इस वीडियो से रिगार्डिंग बस इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाना था। तो आपने देख ही लिया होगा, जो मैक्सिमम जो गया था वो था 335 जो पहला सर्विस था, जो वैसे फिल्टर चेंज हुआ था, बाकी सब में ऑयल चेंज होता था। 290 290 वही चार्ज से, और ये बाकी उसमें 290 में आपका छोटे मोटे जो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होंगी उसे चार्जेस नहीं लेते हम लोग, और प्लस वॉशिंग करके देते हैं और प्लस ऑयल चेंज करके देते हैं। और फिल्टर अगर ठीक हो तो उसको क्लीन करके डाल देते हैं, और ब्रेक ऑयल अगर देख लेते हैं थोड़ा बहुत तो रिफिल करना हो तो रिफिल कर लेते हैं। तो ये थी अप्रैल ऐसा 150 के चार्जेस, 150 के। अभी शायद 160 भी आया है जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि मैंने बात किया तो बता रहे थे कि 160 अभी रिसेंट आया है, ब्लैक और ग्रीन के थोड़े मतलब RSV4 वाली स्कीम में है। उसके लिए मैं बहुत कूल दिख रहा था, तो मैंने उस दिन देखा तो बहुत सही था। तो अगर आप लोग स्कूटी लेना चाहते हैं तो इसको एक तरीके से आप फन फन के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर डे टू डे यूज़ करना है मतलब डे टू डे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली यूज़ करती है तो मैं आपको स्कूटी लेने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी हाइट भी इसकी ऊँची है, प्लस इसके मेंटेनेंस भी थोड़े से ज़्यादा ही होंगे। अभी फिलहाल तो मेंटेनेंस उतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पार्ट्स कॉस्टली होंगे। जब स्कूटी कॉस्ट क्या है 1,16,000, तो उस हिसाब से पार्ट्स भी तो इसके महंगे होंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है आजकल, सारी स्कूटी लगभग 70 80 के रेंज में मिल जाती है, और इसके हाफ प्राइस बोल सकते हैं, हाफ प्राइस थोड़े कम होते हैं। तो आप वो सब स्कूटी भी देख सकते हैं, अब बाकी मर्जी आपकी। अगर आपको लेना है आप बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छी है, भागने में बहुत अच्छी है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी थोड़ी छोटी है। बेसिक में हमने अपना चैनल पे और एक इसके रिव्यू ओनरशिप रिव्यू बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। चैनल पे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है, तो एड रन स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन देखते हैं हम कितना जल्दी होता है। चैनल पर अगर अच्छे खासे व्यूज़ होंगे तो रेवेन्यू उसी हिसाब से होगी। अब बस सपोर्ट करते रहिएगा, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।